अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हमारे पास ये एक इन्वर्टर आया है फ्रोमस PV7000। ये हमारे पास एक पीस आया है, ये मैंने खोल के इसको रखा हुआ है, इसका मैं आपको फॉल्ट बताता चलूँगा। ये देखें, इसका फ्यूज़ भी जला हुआ है, ये इसका DC फ्यूज़, ये वाला, ये देखें, ये फ्यूज़ भी उड़ा हुआ है। और इसके जो है IGBT वगैरह बज़ाहिर तो सही बता रहे हैं, इसको चेक करते हैं क्या फॉल्ट है इसमें। और ये इसके MOSFET लगे हुए हैं, ये MOSFET वाली ये साइड, ये देखें, ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल फटे हुए हैं, ये शॉर्ट बता रही है। अभी इसका फॉल्ट हम चेक करके इसको रिपेयर करते हैं आपके सामने, जो भी इसका आपको बताते हैं क्या मसला हुआ है। अच्छा ये दोस्तों, अभी हम जो है ना इसके ये बूस्टर साइड इसके निकाल चुके हैं, ठीक है। ये इसका बूस्टर साइड जो है हमने निकाल दिया है, और इसके जो है IGBT साइड में आपको चेक करवा देता हूँ। IGBT साइड भी जो है ना इसकी, वो ये मीटर रख लिया सामने, ये देखें दोस्तों, ये इसकी IGBT साइड है, ये साइड क्लियर बता रहा है, ये भी सही है, ये भी ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, चार्जिंग वाला ये शॉर्ट है दोस्तों, ये देखें, ये वाला जो है ना ये शॉर्ट बता रहा है, ये दोनों शॉर्ट आ रहे हैं, ये सही है, ये दो IGBT जो है ये भी इसके शॉर्ट है, ये भी हम इसके चेंज करेंगे। ये इसी वजह से जो है दूसरा साइड इसका जो है वो शॉर्ट हुआ है। इसकी रेजिस्टेंस वगैरह जो है वो बिल्कुल क्लियर है, ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस जो लगी हुई है बिल्कुल क्लियर है, बाकी सारा सेट है। ये सिर्फ इसका जो है बूस्टर साइड के FET और IGBT साइड ये वाली, ये इसकी है शॉर्ट। अभी आपको ये चेंज करके दिखाते हैं इसमें क्या क्या मसला हुआ है, तो फिर आपको ड्राइव भी चेक करो। दोस्तों इसको थोड़ा सा जो है ना वो गर्म कर लेंगे, थोड़ा सोल्डर लगा के, तो ये जो है आसानी से निकल आते हैं। ये इसमें लगा हुआ है 60T60, ये 60T60, इसके दो IGBT शॉर्ट आ रहे हैं, ये हम जो है इसके चेंज करेंगे। दोस्तों अभी इसकी देखते हैं वैल्यू, कि हमारी वैल्यू जो है वो क्लियर हुई है नहीं। ये देखें, ये अभी वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है इसकी, वैल्यू बिल्कुल क्लियर हो गई इसकी। इसका मतलब ये है कि इसकी ड्राइव तो सही होगी फिर, क्योंकि कोई चीज़ शॉर्ट वगैरह नहीं है। फिर भी एहतियातन ये जो ड्राइवर लगे हुए हैं, ये जो लगे हुए हैं WA और J3 वाले, ये सारी AC की साइड चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको उसको दिखाते हैं। ये डायोड बिल्कुल सही है,
ये भी सही है, ये भी ठीक है, ये भी सही है। इसकी ड्राइव क्लियर है, इसके अंदर IGBT इंस्टॉल करेंगे और बूस्टर साइड वाले जो हैं FET ये MOSFET लगाएंगे। उसके बाद देखते हैं हमारा पीस ओके हुआ है कि नहीं, जो भी है आपको हर चीज़ के लेकर। जी दोस्तों, ये हमारे पास देखिए ये 4115 इसके जेन्युइन हमारे पास पड़े हुए हैं, ये 4115 बिल्कुल न्यू जेन्युइन। ये देखें 4115 जेन्युइन वाले, ये इसके अंदर हम इंस्टॉल करेंगे। इसकी दो साइडें जो हैं बिल्कुल सही थी, दो साइडों के अंदर जो है वो IGBT इसके शॉर्ट थे, ये बूस्टर साइड वाले FET। ये दो साइडें इसकी क्लियर हैं, दो साइडें इसकी जो है ना ये शॉर्ट हैं। अभी इसके अंदर हम जो है ना इंस्टॉल करेंगे ये इस पीस में, तो आपको दिखाते हैं। अच्छा जी दोस्तों, अभी हम जो है ना इसमें IGBT वगैरह लगा चुके हैं। ये देखें, ये IGBT हमने लगाए 80H65 इसमें, ठीक है। और नीचे से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, इसके अंदर जो है इन्होंने दो चोपरें लगाई हुई हैं। ये चोपरी देखो, ये दो दो लगी हुई हैं। और इसके जो है ना नीचे जो WA या J3 होते हैं वो इसमें नहीं है। ये देखें, इसमें WA J3 नहीं है, ये सारा इस चोपरी पे ही जो है इन्होंने सप्लाई बनाई हुई है। और सारी ड्राइव यहाँ से बन रही है इसकी IGBT की, ठीक है। और बूस्टर साइड भी हमने इसके अंदर लगा चुके हैं, ये 4115। अभी इसको बोर्ड में फिट करते हैं बॉडी में, उसके बाद इसको चलाते हैं और आपको दिखाते हैं इसका मसला हुआ है कि नहीं। और ये फ्यूज़ भी हमारे पास जेन्युइन था, जेन्युइन फ्यूज़ लगा दिया, ये फ्यूज़ जेन्युइन 150 एम्पीयर का। अभी इसके बाद जो है ना आपको फिट करके दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी इसको बॉडी में फिट कर चुके हैं। ये आपको बता दें, ये जो है ना ये इसका बाद में फिट करेंगे, पहले जो है इसमें ये इसको लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। Gracias.
इसको करते हैं ऑन दोस्तों, इसको सप्लाई लगाते हैं। ये हमारे पास सप्लाई है के वोल्ट हम कर देंगे 48 वोल्ट बैटरी वाले वोल्ट, ये 50.6 वोल्ट कर दिए। अभी इसको ऑन करते हैं और आपको बताते हैं। अच्छा जी दोस्तों, ये जो है ना, हम इसको सप्लाई लगा चुके हैं। सप्लाई में आपको दिखाई 12.6 वोल्ट। अभी इसको ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों, ये 50 वोल्ट शो कर रहा है बैटरी के। ये 230 वोल्ट आउटपुट आ गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा इन्वर्टर ओके हो चुका है। इसका जो भी जितना भी फॉल्ट था हमने आपसे शेयर किया, इसके IGBT, इसकी ड्राइव, इसके बूस्टर साइड, जितने भी इसके FET वगैरह जले हुए थे सब आपके सामने रखे हैं। ये जो है बिल्कुल हमारा पीस जो है ऑन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल ओके है। इस पर आउटपुट चला के आपको दिखाते हैं। 100 वोल्ट लगा, 100 वोल्ट यहाँ LED बल्ब लगा। ये देखें दोस्तों, ये आउटपुट बल्ब चल रहा है, UPS आउटपुट दे रहा है अपनी। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा UPS जो है ओके हो चुका है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।